अच्छू माला, तुमने तो दिल डरा ही दिया मेरा। ऐसे आंधी तूफान की तरह आने की क्या जरूरत थी? मैं आंधी की तरह हूँ या तूफान की तरह, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी। आप इसकी फिक्र करें जो पूरे घर का सुकून बर्बाद करके यहाँ पे आराम फरमा रही है। अब क्या हो गया, अब क्या कर दिया मरियम ने? कल रात तो माफी मांग कर आई हूँ मैं भाई साहब से, बच्चों से, अब क्या मुसीबत टूट पड़ी? क्या हो गया? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काशिफ ने मुझे सुबह इतनी बातें सुनाई हैं कि उन्होंने आज तक अपने बाबा से इस तरीके से बदतमीजी नहीं की जिस तरीके से ये बातें सुना के गई है उन्हें, और आप कह रही हैं कुछ हुआ ही नहीं। शुमाइला, तुम तो ऐसे कर रही जैसे मरियम तुम्हारी कुछ भी ना लगती हो। क्या हो गया शुमाइला, तुम्हारी छोटी बहन है, ऐसा भी क्या कर दिया? वो जो भी कुछ कर रही है उमर के लिए कर रही है, बस एक बार मरियम और उमर एक हो जाए तो बस। करते अम्मी, आप अभी भी उम्मीदें लगा के बैठी हैं। अभी इनकार पे इतना वावेला मचा है, अगर उन्हें उमर के बारे में पता चल गया आप जानती भी हैं क्या होगा? हम तीनों को धक्के दे के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप दोनों को मेरी बातें समझ आ भी रही है कि नहीं? फिक्र क्यों करती है मायला, अब अगर इस घर से कोई निकाला जाएगा ना तो वो नेहा होगी। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि उमर मुझसे मोहब्बत करता है और इस बात का एतराफ वो नेहा के सामने कर चुका होगा। बस अब उमर की जिंदगी में सिर्फ मैं होंगी, सिर्फ मैं। मरियम, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। यकीन नहीं आ रहा? एक काम करो, खुद जाकर देख कर आ जाओ, बल्कि एक काम करना पैकिंग में मदद करा दो नेहा की। अभी देख रही हैं आप, दिन ब दिन ये पागल होती जा रही है, संभालिए इसको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।